स्टूडेंट, दिस इज योर मैथ्स क्लास। नाउ यस्टरडे वी कंप्लीटेड द एक्सरसाइज थर्ड ए, नाउ टुडे वी स्टार्टेड द एक्सरसाइज थर्ड बी, पेज नंबर 35। सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 35। देखिए, सो लेट्स वी स्टार्ट। एट द फॉलोइंग, सभी नंबर्स को ऐड करना है, तो ऐड करना हम आपको सिखा चुके हैं। हम आपको देखिए अब ये वाला सवाल हम करके दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट का ऐड करके दिखाएंगे। देखिए पहले हम उसी तरह से इन पे कॉलम्स बनाएंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, इस तरह से हम यहाँ पे कॉलम्स बना लेंगे। ठीक है, मेरे यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसे कट कर रही हूँ। आप लोग अपनी नोटबुक में करेंगे तो आप उन्हें वही बनाकर, कॉलम्स बनाकर ही अरेंज करेंगे। ठीक है, ये अरेंज करने के बाद फिर हम इन्हें प्लस करेंगे। तो देखिए 3 और 1 कितना होता है, 4। 4 और 9 कितना होता है, 9, और 4 होता है 13। 13 और 5, 13 और 5 को ऐड किया तो देखिए 14 15 16 17 18, तो 18 का 8 बन गया कैरी। देखिए 4 and 1 5, 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 का 4, कैरी गया 1। देखिए 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5। अब देखिए यहाँ 9 और 5 कितना हुआ, 14, 14 और 6 20, 20 और 8 28, कैरी गया 2, तो 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 1 17, कैरी गया 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह से देखिए फाइंड द सम, 3 डिजिट है, 1 2 3, इनको हम उसी तरह से पहले अरेंज कर लेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। ठीक, उसी तरह से हम इन डिजिट्स को अरेंज कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने पहली डिजिट उतारी, डिजिट को हमेशा वंस की तरफ से लिखते हैं। तो देखिए 3 1 8 5 7, ठीक है। अब हम दूसरी डिजिट उतारेंगे तो ये भी हम वंस की तरफ से उतारना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 3 1 7 6, यहीं तक आई है, ये इधर ब्लैंक जा रहा है, तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। इसी तरह से हम इस डिजिट को उतारेंगे, 0 2 6 1 8, और ये 2 आगे जा रहा है, जाने दीजिए। एक कॉलम और बना दीजिए लेग, ठीक है, तो ये लेग तक है। इसके बाद हम इस तरह से लाइन खींच के फिर अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप सब लोग ये पूरी एक्सरसाइज अपनी अपनी नोटबुक में इसी तरह से करेंगे। थैंक यू, कल हम इसका सॉल्यूशन देंगे आपको।